मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी डॉक्टर सतीश, अंधेर नगरी चौपट राजा। चौपट राजा कहना तो ठीक नहीं है, उसको अनपार्लियामेंट्री, लेकिन अंधेर नगरी तो हो गया है। ये जो जो भी आज हो रहा है कि भाई राहुल गांधी आ गए हैं, जो उनका राइटफुल प्लेस था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद आज जब ये हुआ कि अगर आज ये उनकी सदस्यता बहाल नहीं करेंगे तो कल सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। और जैसा एक केस में पहले हो भी चुका है, लक्षद्वीप के जो एनसीपी के एमपी थे उसकी उनकी सदस्यता 1.5 महीने तक बहाल नहीं की थी इन्हीं स्पीकर साहब ने। और डॉक्टर सतीश एक और आपसे वो ले लूंगा, ये स्पीकर साहब ने एक नया कीर्तिमान और बनाया है कि शायद मेरे याद में हिंदुस्तान के पहले स्पीकर जो पार्लियामेंट इसलिए नहीं आए कि गुस्से हो गए, अरे वो दुखी हो गए, उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दी कि मैं दुखी होकर पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। स्पीकर कह रहा मैं दुखी होकर नहीं आऊंगा, एक टिप्पणी इन सारी चीजों पे और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है उस पे। देखिए ऐसा है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी स्वयं निष्पक्ष रूप से अगर हम लोग देखें तो बौखला चुके हैं, बौखला रहे हैं। और जैसा कि आज किसी एक मित्र ने कहा कि गटर लेवल की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर उनको शब्द इंडिया से इतना परहेज हो गया है कि उसको घमंडिया करना शुरू कर दिया। देखिए ये बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी की आज जो बहाली हुई है और किस तरह से हुई है ये आप बता चुके हैं, अगर उनका बस चलता तो बहाली ना होती। दबाव बढ़ चुका था संसद के अंदर, दबाव संसद के बाहर था, जनता का दबाव बढ़ रहा था, उस सबको चलते हुए उनको लगा कि बहाली जल्दी कर देना ही ठीक होगा और इसलिए उन्होंने आखिर में आज बहाल कर दिया। अब जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोध पक्ष ने रखा है जिस पर की बहस कल से शुरू होगी और जिसमें जिसके अंतर्गत मेरे ख्याल में हैंग हो, हाँ डॉक्टर, हाँ जो प्रधानमंत्री बोलिए जी, जब से संसद शुरू हुई है संसद के अंदर बोलने से कतरा रहे हैं, हालांकि वो पूरे देश का दौरा करते हुए दिखते हैं, चुनावी भाषण करते हुए दिखते हैं, ये भी कहते हैं कि विपक्ष घमंडी है, विपक्ष जो है वो भ्रष्ट है, विपक्ष बेकार है, विपक्ष अपनी गलतियों को बांध, अरे भाई विपक्ष की गलतियां जनता देख रही है, जनता खुद देख जानती है, पर तुम गालियां देकर क्या साबित करना चाहते हो। अब अविश्वास का प्रस्ताव जहां तक बात है, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे हमारी आपकी सबकी जो आत्मा है वो आहत हुई है, हम लोग शर्मिंदा हैं जिस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में हुई और 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी वहां घटनाएं चल रही हैं। जी ये अवश्य ही बड़ा मुद्दा होगा, पर उसके साथ साथ आप जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा मतलब राष्ट्र की राजधानी के 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर सांप्रदायिक घटना होती है और एक सरकार क्या करती है कि जो जुलूस निकाला गया जिसमें कि भड़काऊ भाषण दिए गए, जिनके पास हथियार थे, जो सब कोशिश कर रहे थे और प्रतिक्रिया के तौर पर जहां से पत्थर दिए गए वो दोषी हैं, उनके जगहों को उन जगहों को बुलडोजर से गिरवा रही है बिना किसी प्रक्रिया के। अगर गिरवाना भी है तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, उनको नोटिस मिलने चाहिए, सीधे बुलडोजर आ गया। तो ये जो जिसको कह रहे हैं कि जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समाप्त कर देना, उनको अपने हाथ में ले लेना, उनका दुरुपयोग करना, ये कोई
आम बात छोटी बात नहीं है, इससे हमारा संवैधानिक जो ढांचा है वो ढह रहा है, वो कमजोर हो रहा है, और इन सब बातों पर अविश्वास प्रस्ताव में उठेगा। जैसा कि अभी साथी लोगों ने कहा कि देखिए जिस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ रही है और जिसके अंतर्गत अभी आप देखें कि 2-3 उद्योगपतियों को छोड़कर आप सरकार उनको सीधे सीधे बेशर्मी से मदद करती दिखती है। आप देखते हैं कि अभी जो एक श्री सीमेंट का एक्वायर हुआ और जिसको कि कोई और कंपनी एक्वायर करना चाहती थी, उसके ऊपर ईडी रेड हो गई, उसने मना कर दिया और अदानी जी ने उसको टेक ओवर कर लिया। इस प्रकार की बेशर्मी से मदद करना, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी इसको कहते हैं कि शराफत बची ही नहीं है। बेशर्मी ओढ़कर तुम जो चाहो कर लो, हम तो यही करेंगे जो जिससे हम अपने दोस्तों का अपने साथियों का फायदा उठा सके। जैसा कि कहा अभी आपने कि निशिकांत दुबे के बारे में जो झूठी फर्जी डिग्रियों का मामला है, जैसा कि आपने अभी कटारिया जी के बारे में चर्चा की, कटारिया जी की सदस्यता जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर स्टे देता तो फिर रिस्टोर होनी चाहिए थी। ये इस प्रकार की जो बातें हो रही है, इससे आपने अंधेर नगरी कहा, चौपट राजा कहने से आप परहेज कर गए, पर जनता तो समझ गई ना कि आप क्या कहना चाहते हैं।